بسم الله
तेरी आरज़ू में कहां कहां बेकरार नजर गई, अभी आसमां के करीब थी अभी कहकशां से गुजर गई। तेरी आरज़ू में कहां कहां मेरी बेकरार नजर गई, अभी आसमां के करीब थी अभी कहकशां से गुजर गई। दुख गर्चे सहे बहुत हमें आरज़ू में रहे बहुत, मगर एक बात हंसा किया तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी संवर गई, मगर एक बात हंसा किया मेरी जिंदगी संवर गई। अब बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करेंगे तूतिए पाकिस्तान दर्दो सोज में डूबी हुई एक आवाज मोहतरम हाफिज अब्दुल लतीफ साहब शाहकोट। फारूक बहाउल्हक शाह साहब के लख्त जिगर नूर नजर
حضور صاحب زادہ محمد حارث فاروق شاہ صاحب اب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی محبت کے پھول پیش کرتے ہیں. Jump, 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 jump
برادران اسلام، مجھے مہک اور خوشبو تھی میرے سیدی حضور جاہ الامت کے گلشن کے خوبصورت پھول کی، انتہائی پرسوز انداز میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے. اب میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں علیہ نات پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں عبد الوہاب چشتی صاحب کو. عبد الوہاب چشتی حضرات گرامی، اس کے بعد چادر کے حوالے سے ہمارے عزیز طلبا قصیدہ پڑھیں گے. تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ جب چادر دربار شریف کے اندر جائے گی تو صرف خانوادے کے افراد اور خلفاء اندر جائیں گے. تمام ماں باپ سے گزارش ہے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ دربار شریف سے باہر جہاں آپ موجود ہیں اسی جگہ پہ رہیں گے اور ان محبت بھری دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے. Yeah.
خوبصورت قصیدہ پیش کریں گے Thank you.
हम पूछ के पूछना बोलना रखते हैं और पूछते की सफाई होती है सरकार के नदी का अपने नदी की याद पर इन विश्वास और बदकिसी ताकतों का बाबू में बात का हर बात सबके हमारे घर हमारे हमारी कथाएं सफर किया मौसम की शक्तियों को प्रताप किया घर से जुदाई अख्तियार किए पैसों का सर्द किया वाले हाथी को कबूल आज की सराहट की उसने शादी में हम शरीक है इस राठाचारी में हमारा हिस्सा भी हो उनकी खाली याद से न जाए मेरे परवरदिगार रखते हैं इश्क सच्चे हमारे वो दोस्त जो इंतहा तमाम महाफिल को बारौनक बाबरकत बना के लिए हमारे सब शामिल होते हैं उनको इज्जत है उनको बरकत है उनको बाबरकत फरमा हजरत के सालिक के इंतहान हजरत रियाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की औलाद इन सब पे अपना करम फरमा अपनी मेहरबानियाँ फरमा इनको दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा हमें इस रास्ते पे ये बुजुर्ग लगा गए हैं हमें वो रास्ता मैला न होने देना हमें उसके ऊपर चलते रहने की तौफीक अता फरमा मेरे मालिक बहुत सारे दोस्तों ने टेलीफोन के जरिए खतूत के जरिए बहुत सारी और जराए से बहुत की दरख्वास्त की है मैं उन अपने सब भाइयों के लिए जो मेरी तमन्नाएं हैं जो आंसू हैं उनकी तकलीफ की दरख्वास्त करता हूँ मेरे परवरदिगार अपने हबीब का सदका हमारी ऊपर अपना फजल अपना कर्म अपनी मेहरबानियाँ फरमा हजूर के और उम्मत के जो इदारे आप हमें दे गए हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए हमारे भक्तों के लिए जितने हमारे चैरिटी के इदारे हैं छोटे हैं बड़े हैं मुल्क में है बैरून मुल्क है उन सब के ऊपर अपना फजल अपना करम अपनी मेहरबानियाँ फरमा मेरे मालिक हम मुश्किल में जब फंसते हैं तो हमारे दोस्त हमारे साथी हजूर दयाउल उम्मत के खातम पढ़ के हमारे साथ तामन करते हैं मैं नाम लिए बगैर उन सबकी खैर मांगता हूँ सबके लिए दुआ को सबके लिए अर्जगुजार हूँ उन सब के ऊपर अपना फजल अपनी मेहरबानी फरमा मेरे मालिक हमारे जो मनसूबे दरमियान में है हम वो नए इरादे नए प्लान नए प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमारी दस्तगीर फरमा हमारे ऊपर गर्व फरमा उम्मत की औलाद के बच्चे आपकी बच्चियाँ जो बाहर के मुल्कों में तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी दस्तगीर फरमा उनको कादरानी नसीब फरमा अता फरमा उनको इज्जत के साथ मुल्क में वापस ला और इस मुल्क की खिदमत की तौफीक अता फरमा मेरे मालिक हमने हर चीज मांगनी है तो तुझसे नमत की चुटकी मांगनी है तो तुमने बख्श दिया वक्त की शाही का दरखास्त है तो तुमने अता कर दी है हमें हर चीज अता फरमा हमारी कोई हसरत बाकी न रहे तू बख्शने वाला तू देने वाला तू अता करने वाला तेरे खजानों में कमी कोई नहीं है तेरी बारगाह में जो मांगता है उससे राजी होता है हमारी खाली जो दुनिया भर दे हमारे ऊपर गर्व फरमा हमारी मुश्किल का दर्द फरमा हमारे कारोबारी मामलात में बरकत नसीब फरमा हमें रिस्क के हालात फराख अता फरमा हमें जिस अमानत और दयानत का दर्स के फकीर दे के गए हैं हमें उसके भरम शरफ को कायम रखने की तौफीक अता फरमा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसना وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين پروردگار عالم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما تو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما ہندوؤں کی شریشہ دوائیوں سے انہیں گلو خلاصی عطا فرما شام کے اور فلسطین کے عراق کے لیبیا کے جتنے مسلمان جہاں جہاں زندگی کا شکار ہے ان کی دستگیری تو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على حبيبه خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب.